कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बैठक में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के मुख्यमंत्रियों समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 72 घंटे के फार्मूले पर फोकस करना होगा। जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले उसके 72 घंटे में सभी संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग जरूरी हो। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हालात डराने वाले थे, लेकिन अब टेस्टिंग बढ़ाने के बाद हालात सुधरे हैं। हमें मौत की दर को 1% से भी कम पर लाना है। अगर हम प्रयास करें तो वो लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे बढ़ाना है, इसे लेकर भी काफी अस्पष्टता निकल कर सामने आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये लक्ष्य भी जरूर हासिल कर लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने बताया कि उनकी स्थिति गंभीर है। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गंभीर हालत में 10 अगस्त को 12 बजे सेना के अस्पताल यानी कि दिल्ली स्थित कैंट में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जांच के दौरान मस्तिष्क में खून के थक्के होने की बात सामने आई है और इसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद वे वेंटिलेटर पर हैं। उनकी स्थिति अभी भी गंभीर है और वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बगावती तेवर अपनाए सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद फिर से कांग्रेस में वापसी हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि भविष्य में क्या मिलेगा, क्या करना है, ये पार्टी को तय करना है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मुद्दों पर मतभेद होता है और होना भी चाहिए। मैं सबसे बात करता हूँ, मैंने लोगों से बहुत से वादे किए थे, उसे पूरा करना है। कांग्रेस के मेरे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कही या बोली, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि रात गई सो बात गई। मैं इन सब बातों का जवाब दूं, ये शोभा नहीं देता। सब मेरे साथी हैं, अगर किसी ने मुझे भला बुरा कहा है तो ये उनकी सोच है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं डिप्टी सीएम था, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। अगर हमें देशद्रोह की धारा के तहत नोटिस भेजा जाएगा तो अपमानित होने जैसा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया। पूरे देश में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जन्माष्टमी के त्योहार से पहले वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर को सील कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी समेत 22 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद ये फैसला लिया गया। देश भर में 12 अगस्त को धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव को मनाने की तैयारी हो रही है। वहीं इस मंदिर में काम करने वाले स्टाफ और संस्था से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। कोझिकोड विमान हादसे में जान गंवाने वाले एयर इंडिया के पायलट रिटायर्ड विंग कमांडर कैप्टन डीवी साठे का शव आज मुंबई स्थित उनके घर पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने डीवी साठे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का फैसला किया है। मुंबई के चांदीवली में रहने वाले कैप्टन साठे, जिनकी उम्र 58 साल थी, उनका आज दोपहर मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान शुक्रवार रात भारी बारिश के बीच कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान हवाई पट्टी से फिसलने के बाद 35 फुट गहरी खाई में जा गिरा था, जिसके दो टुकड़े हो गए थे। हादसे में दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,786 हो गई है। सोमवार को झारखंड में 531 नए पॉजिटिव केस मिले। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,849 हो गई। वहीं सोमवार को 699 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। इस प्रकार कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 9,748 हो गई है। कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान सोमवार को 11 और संक्रमितों की मौत हो गई। झारखंड में 12 से 14 अगस्त तक कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान करीब 35,000 सैंपल जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी कर आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 31 जुलाई से 2 अगस्त तक स्पेशल ड्राइव चलाया गया था। इस दौरान जांच के लिए 47,000 से अधिक लोगों का सैंपल लिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि 12 और 13 अगस्त को आरटीपीसीआर और ट्रूनेट मशीन से जांच होगी, जबकि 14 अगस्त को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच होगी। हुसैनाबाद विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह के बॉडीगार्ड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित पाए गए बॉडीगार्ड को सोमवार की शाम पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। बॉडीगार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर मंगलवार को विधायक कमलेश कुमार सिंह समेत उनके सभी कर्मी अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिए हैं।
झारखंड के झुमरी तलैया में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की पिटाई कर दी। पुलिस की मारपीट से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कंधे और पांव में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद पीड़ित डॉक्टर ने थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर और पुलिस जवानों के खिलाफ बेरहमी से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 24 से 48 घंटों में व्यापक वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि झारखंड, बंगाल और केरल में हल्की से मध्य वर्षा होगी। वहीं अगले 2 घंटों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली, मुरादाबाद, संभल, सोनीपत, बागपत, नोएडा, चंदौसी और नागौर में बारिश होने की संभावना है।